इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो गैसरी विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं और पूर्व IRS रिटायर अफसर हैं, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं। समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 1984 से लेकर 2011 तक आप IRS के पद पे थे, क्या अचानक आपको पड़ गया कि आप अब मैदान में कूद रहे हैं चुनावी संघर्ष, जबकि भाजपा से आप दर्जा प्राप्त मंत्री भी थे? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। ये सब 2011 में मैं रिटायर हुआ और उसके पहले से ही हमारे पिताजी ने, राजकुमार प्रधान जी ने, एक राजकुमार फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा था, तो उसके थ्रू हम सामाजिक कार्य करते थे। तो रिटायरमेंट के पहले भी हम सेवा कार्य करते थे और 11 में रिटायरमेंट के बाद भी हम सामाजिक कार्य में लगे रहे, और जैसे जैसे कार्य करते रहे और लोगों की जानकारी में आता रहा, और चाहे यहाँ की जनता हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दीनदयाल शोध संस्थान हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इन सारी संस्थाओं से हम जुड़े रहे, तो धीरे धीरे ऐसा माहौल समाज में बनता रहा। और साथ में 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। अभी तक आप राजकुमार फाउंडेशन के नाम से जो संस्था NGO था, उसके माध्यम से कितने ऐसे स्कूल बनाए जिससे बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक आपने किया? राजकुमार फाउंडेशन के थ्रू हमने 18 प्राइमरी स्कूल और एक इंटर कॉलेज चला रहे हैं, और इसके अतिरिक्त इंटर कॉलेज से ऊपर के जो छात्र हैं, कोई BSc कर रहा है, कोई BCom या BA कर रहा है, कोई फार्मेसी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग और डॉक्टरी कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी हम राजकुमार फाउंडेशन की तरफ से पूरी मदद देते हैं, उनका पूरा खर्चा वहन करते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। सामाजिक कार्य में जिस तरीके से योगदान दिए हैं, पूरी गैसरी विधानसभा में चर्चा का विषय है, तो किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहन करते हैं? मेनली हमने एजुकेशन पे फोकस किया, लेकिन इसके अलावा सामाजिक कार्य हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में हमने राजकुमार फाउंडेशन के द्वारा योगदान दिया, चाहे वो लोगों को ट्रीटमेंट करना हो, ऑपरेशन करना हो, आँख का ऑपरेशन कराना हो, लोगों को कपड़े देने हो, और कोरोना काल में लोगों को राशन देने हो। सामाजिक सेवा करने के लिए व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं, और साथ में राजकुमार फाउंडेशन की भी सेवा है, जितना ही फंड अवेलेबल रहेगा उतनी ही हम सेवा कर सकते हैं। पब्लिक ने भी हमें प्रोत्साहित किया कि आपको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब हमारा कोई पद प्रतिष्ठा या अथॉरिटी या पावर प्राप्त करना नहीं है और ना ही पैसे कमाने हैं, बल्कि हमें समाज की सेवा और बड़े स्केल पर करनी है, क्योंकि राजनीति में आने से अगर हम विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के कुछ सुविधाएं होती हैं, कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ परपिजिट्स होती हैं, कुछ पावर्स होते हैं, उसके द्वारा हम जनता की और अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। ये हमारा जो गैसरी विधानसभा क्षेत्र है, ये बलरामपुर ज़िले में आता है, और बलरामपुर ज़िला अपने आप में एक बहुत ही पिछड़ा हुआ ज़िला है। इसके साथ जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं, बहराइच है, श्रावस्ती है और महाराजगंज है, ये सभी जो है पिछड़े ज़िलों में आते हैं, और नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं जिनमें सड़क की और विद्यालयों की, अस्पताल की और बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था एकदम ठीक नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत दूर तय करना पड़ता है और डॉक्टर के पास अस्पताल में जाने के लिए, और बरसात के मौसम में तो बिल्कुल जा भी नहीं पाते हैं, वो भगवान भरोसे वो गाँव में ही दम तोड़ देते हैं मरीज। और शिक्षा का भी यही हाल है, जो टीचर्स लोग नियुक्त होते हैं वो ज़्यादातर जाते नहीं, क्योंकि एरिया बहुत ही बिगड़ है, बहुत ही पहाड़ी है और नदी नाले हैं, जंगल हैं, तो इसलिए लोग जाते ही नहीं हैं, तो शिक्षा का अभाव भी है और साथ में स्वास्थ्य का अभाव तो है ही, हमने इसको बता दिया। और इसी कारण से हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं और ख़ास करके थारू जनजाति के लोग हैं, तो वो बहुत ही पीछे रह जाते हैं, वो मेन लाइन से कट जाते हैं, क्योंकि ये गैसरी विधानसभा थारू जनजाति नेपाल से सटा हुआ, तो ये तो सरकार पे ही सवाल, जब आप ही की सरकार 5 साल थी ये नहीं पूरा कर पाई, फिर आप
विधानगत बन करके जाएंगे तो कैसे विश्वास जनता करे कि आप इसको पूरा करेंगे। मतलब ये था कि अभी भी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है और इस समय जो पोजीशन है वो पहले के सरकारों से, चाहे वो समाजवादी सरकार हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उससे बहुत ही बेहतर है। शिकायत ये है कि हमारा एरिया पिछड़ा है क्योंकि आने जाने के साधन नहीं है, तो उसकी वजह से जनता पूरे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाती है और विद्यालय में अपने बच्चों को भेज भी नहीं पाती है। किस समीकरण से आप गैसरी विधानसभा से वोट मांग रहे हैं? जातिगत समीकरण क्या है, कैसे आप चुनाव जीतेंगे? विधानसभा क्षेत्र तो जनरल है, जहाँ तक जनता को जानकारी है और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं तो यहाँ थारू जनजाति को बिलोंग करता हूँ और थारू जनजाति के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट किसी भी तरह से रिजर्व नहीं है, ना तो जिला पंचायत सदस्य, ना जिला पंचायत अध्यक्ष, ना ही ब्लॉक प्रमुख, ना ही MLA और ना ही MP, कहीं भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जनजातियों के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, सोनभद्र जिले में 2 विधायकों की सीट रिजर्व है, एक संजीव गौड़ है और एक हरिराम चेरो है अपने अपना तरफ से। इसके अलावा हम थारू जनजातियों के लिए कहीं रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर हमें विधायक पद के लिए लड़ना है तो हमें जनरल सीट से ही लड़ने पड़ेगा। कितना वोट है थारू का, कितना वोट है हमारे विधानसभा में? गैसरी विधानसभा में थारुओं के 40,000 वोट हैं और वो एक मुश्त BJP को ही जाते हैं वोट, BJP को जाते हैं, तो वो तो हमारा बेस वोट है। और इसके साथ जो हमारे कमिटेड वोटर्स हैं BJP के, वो तो BJP को वोट देंगे। अन्य बिरादरी के लोग भी हैं, वो हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तिगत संबंध और हमारे कार्यों के कारण हमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे समाजवादी हो या BSP हो या किसी अन्य बिरादरी को हो, वो लोग भी हमें पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको टिकट गैसरी विधानसभा से मिलता है तो सबसे पहली प्राथमिकता गैसरी विधानसभा को डेवलपमेंट को लेकर के आपका क्या योगदान है? हमारे जो विकास की परिभाषा है जनता के, वो सबसे पहला तो यह है कि जितने पिछड़े भी क्षेत्र हैं, जहाँ भी जाने आने लायक हैं, वहाँ भी हमारे स्कूल खुले और हमारे टीचर्स लोग वहाँ पे रेगुलर जाएं और जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकताओं में आएगा हमारा रोड, जंगल भी जितना भी जंगली एरिया है वहाँ पे रोड की बहुत कमी है। 4 महीने बरसात के मौसम में तो लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर्यावरण की या वन विभाग की आती है कि भाई से पेड़ कटेंगे और एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, तो वो एक समस्या है, उसकी वजह से सड़कें बन नहीं पाती हैं, तो इसकी वजह से भी लोगों का आना जाना बहुत दुभर हो जाता है। और तीसरी बात फिर आती है हमारे स्वास्थ्य की, तो हमारे यहाँ मेन जो है पिछड़ा होने के नाते मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण कह सकते हैं सभी लोगों में है, खास करके औरतों में और बच्चों में है, तो उसकी वजह से जो है वो लोगों का विकास भी नहीं हो पाता है और लोगों की जो जीवन औसत है वो कम हो जाती है। बेरोजगारी की समस्या है, ज़्यादातर लोग कृषि आधारित कामों में लगे रहते हैं, लेकिन खेती भी जो है बहुत ही छोटे छोटे हैं लोगों के, तो ज़्यादातर लोग मजदूरी पे डिपेंड करते हैं और यहाँ से बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो और हैदराबाद हो, चेन्नई हो, ऐसे जगहों पर और बम्बई हो, सब जाते हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे जो भी जिनकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, नए नए कल कारखाने स्थापित किए हैं, उदाहरण के लिए गोरखपुर में से खाद कारखाना है, कितने सारे एयरपोर्ट्स नए नए बने हैं और कितने सारे हाईवेज नए नए बने हैं, तो उससे भी बहुत रोजगार पैदा हुए हैं और लोगों का उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। सकते हैं ये हैं संग्राम चौधरी जो रिटायर IRS हैं, अगर मुझे टिकट मिलता हो चुनाव जीत करके आएंगे तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इस पे हम काम करेंगे। 12 स्कूल राजकुमार फाउंडेशन के नाम से चला रहे हैं जिसके वजह से हजारों बच्चे वहां शिक्षा लेते हैं। इनका साफ कहना है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो इनका भी सोचा है कि जब तक शिक्षित लोग नहीं बनेंगे तब तक अपना हक और अधिकार के लिए लोग नहीं जानेंगे, इसीलिए
चंद्रकांत चौधरी का साफ कहना है कि शिक्षा बच्चों को सबसे अहम रोल होता है उसको आगे बढ़ने के लिए। तो अब देखना है कि अब टिकट मिलता है तो ये चुनाव किस तरीके से लड़ते हैं। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गैसरी विधानसभा, बलरामपुर।